नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम खांडवी बनाएंगे, वो भी IFB माइक्रोवेव में। वैसे जो लोग कढ़ाई या कुकर में खांडवी नहीं बना सकते, जिनसे नहीं बनती है, वो भी ये माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब आप मेरी सारी हिंदी और इंग्लिश रेसिपीज़ मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। खांडवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 3 कप छाछ, राई, आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च और करी पत्ते की पेस्ट, आधा छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, बारीक कटा हरा धनिया, तिल, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच चीनी और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम ओवन से बाउल लेंगे, इसमें 1 कप बेसन डालेंगे और 3 कप छाछ डालेंगे। थोड़ी थोड़ी छाछ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसे 4 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। सबसे पहले हम ये बाउल माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। अब हमें सिर्फ टाइम सेट करना है, 4 मिनट सेट करने हैं और स्टार्ट बटन प्रेस करना है। 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे एकदम फटाफट मिक्स करें, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, चीनी, अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च और करी पत्ते की पेस्ट और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम और 4 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। देखिए हमने इसे 4 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है, एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम और 1 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। जब तक हमारा बैटर रेडी होता है तब तक हम ये जगह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। बैटर रेडी हो चुका है, हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हमें बहुत ही जल्दी जल्दी फैलाना है, अगर ठंडा हो गया तो ये फैलेगा नहीं। ये जगह मैंने क्लीन कर लिया और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बैटर हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अगर बैटर ठंडा हो जाए तो फिर इसे 1 मिनट माइक्रोवेव करके आप इसे फैला सकते हैं। इसे हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, हम इसे कट करेंगे। वैसे बैटर एकदम परफेक्ट बना है, अगर फैलाने में थोड़ी सी गलती ना हो तो ये बहुत ही परफेक्ट बनती है। अब हम इसे धीरे धीरे रोल करेंगे। इसी तरह से हम सारी खांडवी रोल करके निकाल लेंगे। वैसे कुकर या कढ़ाई से भी परफेक्ट
बैटर बना है खांडवी का, बहुत ही फटाफट बन जाती है और इसमें कोई गलती नहीं होती अगर मेजरमेंट सही हो तो। जैसे कि 1 कप आटा और 3 कप छाछ, ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। कढ़ाई या कुकर में क्या होता है कि बैटर सही से नहीं बनता है तो खांडवी बनती ही नहीं है। आधी खांडवी हमने रोल कर ली है, अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे, फिर रोल करेंगे और फिर से ऊपर से भी तड़का लगाएंगे। तेल मैंने फ्राई पैन में गरम कर लिया है, इसमें हम राई डालेंगे। थोड़े से तिल डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। अब ये जो तड़का है हमने जो ये फैला है बैटर, इसके ऊपर डालेंगे। अब इसमें आप कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं अंदर की तरफ, और अगर आपको कोई और स्टफिंग पसंद है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तेल थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे रोल करेंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसे रोल करेंगे। मैंने तड़का पैन में तेल गरम कर लिया है, अब इसमें हम राई डालेंगे, तिल डालेंगे हरी मिर्च और करी पत्ते की पेस्ट डालेंगे। वैसे करी पत्ता आप साबुत भी डाल सकते हैं, पेस्ट करके डालते हैं तो बच्चे इसमें से बाहर नहीं निकालते, और करी पत्ता जो होता है बहुत हेल्दी होता है। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, बहुत सारा हरा धनिया। अब ये तड़का हम खांडवी के ऊपर डालेंगे। खांडवी बनके तैयार है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। टेस्टी खट्टी मीठी खांडवी बनके तैयार है, तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।